आए तो नानी नानू ने मिल लिया सरप्राइज रखा हुआ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ क्या लाए? ये देखो तो उसने बोला वो वाह निकाल के दिखाता यहाँ पे यहीं पे दिखाओ देखो। क्या है ये? लेजर लाइट लेके आया आपके लिए। अरे ये छोटा बच्चा क्या करेगा लेजर लाइट से, इसमें दिखाओ वॉल पे। वाह दोस्तों देखिए पूरी वॉल जगमगा गई है लेजर लाइट से। वाह स्वेटर पहनिए, ये भी तो नानी ने आपको सरप्राइज दिया है। तो आपको कैसा लगा नानी नानू का सरप्राइज? अच्छा। तो आपने थैंक यू बोला? नहीं बैड बॉय। ये देखिए लेजर लाइट अभी इससे खेलता रहेगा और इसको क्या आईज में नहीं मारना ठीक है किसी की है। क्या है गांव के माल्टे? तो क्या के नानी गांव के माल्टे भी लाइए क्या के लिए, तुम लग रखो काम में। क्या तुम्हारी क्या बना रहे हो तुम? दाल पीली दाल वेरी गुड। देखिए क्या क्या बना रहा है, ज्योति के पीछे पूरा डिजाइन बना दिया। थैंक यू नानी थैंक यू थैंक यू बोला करना। अरे अरे नाती है यार। क्या नानू को थैंक यू तो बोल ले बाबू लाना। आपका गांव भी उधर ही है टकुली खाल की साइड ना? अरे यार हमारे रिश्तेदारी हम ये जो इनकी बहन है ना मेरी जो भाभी है उनके भाई के लिए पास थी। क्या अपने एटीएम के अंदर डाल रहा अपने पैसे और डाल भी पाएगा सीधा डाल सीधा खड़ा करता ना उसको टीढ़ा कर रहा है। इसको तो सीधा पकड़ ले पापा। क्या क्या लग रखा है यहाँ पे? क्या है मिर्ची और टोमेटोस का है? ये कौन से कलर के टोमेटो है? हाँ और कौन से कलर के टोमेटो है? ग्रीन कलर। देखो आजकल टमाटर फुल टमाटर आ रखे हैं आजकल। ये क्या है बाबू? ये देखिए इस पेड़ पे भी कितने सारे टमाटर आ रहे हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। क्या है क्या है क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता। तंदूरी चिकन लेने के लिए क्योंकि पापा का वही फेवरेट है। तो पापा कह रहे हैं, मैंने पहले पापा को कहा था यार कि पापा कुछ मटन चिकन कुछ बनाते हैं, तो लेकिन पापा कहते हैं कि नहीं मेरे को तो तंदूरी चिकन पसंद है, तो मैं वो लेके आता हूँ। तो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। आज क्या बन रखा है कि अंश ने एक चिप्स का पैकेट खाया और उसके बाद क्यांश ने उसकी कैप बना दी। अब क्यांश क्या बन गया? केजरीवाल। हाँ क्या जब एक मफलर टांग दे, खांसी तो तेरे को हो ही रखी है ना। पूरा केजरीवाल बन जाएगा। तो भाई इतनी सर्दी में हमने सोचा है कि सर्दियों में कुछ बढ़िया सी डिश बनाई जाए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना हम रागी के मोमोज बनाए। तो आज मैं वही चीज़ बनाने जा रहा हूँ और पहले भी मैंने एक दो बार बनाए लेकिन वेज बनाए थे। आज मैं बनाऊँगा चिकन रागी मोमोस। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि इस ठंड के मौसम में अगर हमें मोमोस गर्म गर्म मोमोस मिल जाए और एक बढ़िया सी चटनी मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा। तैयारी कर ली है, थोड़े हमने चॉप्ड अनियंस लिए हैं और ये हमने लिए हैं हरे प्याज और अभी प्रेशर कुकर में मैंने दो सीटी लगाई है चिकन की। तो चिकन थोड़ा मिंस्ड हो जाएगा उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। चिकन हो चुका है बॉयल और हमने बिल्कुल हाथों से इसको मिंस कर दिया है। जितनी भी हड्डी बची वो मिली सब कोको को, कोको को वहाँ चिकन सूप भी खा रहा है और ये सारे के सारे आइटम्स जाएंगे एक साथ। तो अभी ये प्याज दिख रहा है और ये है चमत्कारी अजीनोमोटो जो सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है मैंने सुना, बट बाहर हम खाना खाते हैं तो यहाँ हर जगह ये डलता ही है रेस्टोरेंट में। तो हम भी थोड़ा सा डालेंगे देखते हैं
क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे क्या टेस्ट आता है, टेस्ट में क्या बढ़ता है देखते हैं। पूरा चिकन सूप बन रखा, खाओ खाओ खा ले खा ले, को खा ले चिकन सूप। की चटनी भी जबरदस्त होनी चाहिए, तो आज मैंने घर पे ही मोमोज की चटनी बनाई है। मैंने कुछ नहीं किया, टमाटर लिए, टमाटर को थोड़े गरम उबलते हुए पानी में डाला, थोड़ा पकाया और उसके बाद उनको ठंडे पानी में डाल दिया ताकि जो उनकी बाहर की स्किन होती है वो निकल जाए, तो उसे ब्लांचिंग कहते हैं। तो ब्लांचिंग मैंने करने के बाद थोड़ी मैंने लाल मिर्चें ली सूखी, उनको भी बॉयल किया और इन सबको मैंने मिक्सी में डाल दिया विद गार्लिक और थोड़ा नमक डाल के और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के मिक्सी में अच्छे से घुमा लिया और फिर हम बन गई हमारी चटनी। दिखाता हूँ कैसी बनी। हमारे रागी मोमोज, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गरम गरम स्टीमर से ही मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये चटनी भी जो मैंने घर पे बनाई है आज, और पापा के लिए तंदूरी चिकन लाया था तो पापा पूरा नहीं खा पाए, तो हमें ये खाने हैं और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ हमें मिली थी ये पुदीना की चटनी, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भाई ज्योति भी आ गई है टेस्ट करने के लिए। भाई टेस्ट करके बताओ सबसे पहले कैसे बने। गर्म होंगे आ रहा है टेस्ट। चलो भाई मैं हैं इधर गरम होया बोल चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ। हैं तो भाई घर पे बनानी चाहिए लोगों को यार, बनानी चाहिए वैसे, कोई हेल्प करने वाला हो जैसे आप कर देते हो हेल्प तो तब पता नहीं चलता, लेकिन खुद ही करना पड़े तो फिर तब ज्यादा टफ लगता है ना। बट बना के क्या सोच रहे हो, मतलब कि बाजार से पैसे देके लेना लेके अच्छा है कि घर पे बनाओ। वैसे आज मेरे को थोड़ा लग रहा था क्योंकि आज यार मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे खड़े-खड़े। अच्छा वैसे तो नहीं नहीं होता कुछ, और हम दो ही लोग हैं तो कम मोमोज होते हैं, ज्यादा बड़ी फैमिली होगी तो फिर तब बनाना हमें टफ लगेगा। क्या मोमोज खा के देखो बहुत अच्छे हो रहे हैं, चिकन है इसमें, हाँ उठा लो खा के बताओ कैसे हो रहा है। इधर दिखा कैसा हो रहा है। अच्छा अच्छा है ना। The next day. सेंटा आ गया, सेंटा सेंटा आ गया, ये देखो गिफ्ट लेके आ गया। अरे क्या झूठो, ये देखो सेंटा आ गया, सेंटा आ गया। अरे पूछ लो सेंटा से क्या गिफ्ट चाहिए अरे सेंटा गिफ्ट लेके आ रखा है, सेंटा गिफ्ट तो दे दो इसको। ये देख क्या, ये देख गिफ्ट, क्या फ्लावर लेके आया तेरे, ये देख गिफ्ट तो देख, सेंटा गिफ्ट क्या लाया। क्या आपको अच्छा लगा मेरा गिफ्ट, क्या आपको अच्छा लगा, और गिफ्ट चाहिए। अगर आप अच्छे बच्चे बनोगे तो सेंटा वाला है, तो सेंटा वाला ब्लॉग से गाड़ी बनेगी सेंटा की। कैसा लगा फिर आपको क्रिसमस का गिफ्ट, अच्छा लगा। मैरी क्रिसमस तो बोल दो, मैरी क्रिसमस, थैंक यू सेंटा बोलो, थैंक यू सेंटा। We'll be right back.
हम लाए क्या प्लम केक। ये देखो कैसा है। तो अभी हम प्लम केक को काटेंगे। दांतों से काटेंगे। ये पूरा प्लम केक है और क्रिसमस के टाइम पे केक सब बहुत आते हैं मार्केट में और ये बहुत ही टेस्टी केक होता है, पता है क्या सबको। तो आइए चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जब क्यांच क्रिसमस का केक काटेगा। काटो क्यांच। मैरी क्रिसमस। इसका बर्थडे क्या है? सेंटा क्लॉस का। देखो प्लम केक के ऊपर तो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं। लगता है बहुत ही टेस्टी होने वाला है। मैरी क्रिसमस क्यांच।